नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। समय काफ़ी चर्चा हो रही है शाहरुख खान को लेकर, शाहरुख खान की मूवी कितना कमाएगी, शाहरुख खान की मूवी कितना कलेक्शन करेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि शाहरुख खान की पहली 100 करोड़ की कमाई करने वाली मूवी कौन सी थी और शाहरुख खान को इसके लिए कितने सालों का इंतज़ार करना पड़ा। वेल, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो साल 2023 चल रहा है और शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग खान, यानी कि बॉलीवुड का एक ऐसा सितारा जिसकी फिल्म सेंसेशन से कम नहीं होती, जिसकी फिल्में आने से पहले दर्शक इंतज़ार करते हैं और एंजॉय भी करते हैं, वो चाहे उनके टीज़र का हो या फिर उनके ट्रेलर का। वेल, आज हम बात करने जा रहे हैं शाहरुख खान के 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली पहली मूवी की। तो बताते हैं कि शाहरुख खान की जो पहली मूवी थी उसको लेकर, जो उनके करियर की ऐसी मूवी जिसने 100 करोड़ के क्लब में वो मूवी शामिल हुई, उसमें वैसे तो शाहरुख खान के करियर की अगर हम शुरुआत की बात करें तो वो साल 1992 से होती है जब उनकी फिल्म दीवाना आई थी। इसके बाद शाहरुख ने कई सारे अपने परफॉर्मिंग कैरेक्टर से दर्शकों को बहुत उनके दिलों पर राज किया, लेकिन पहली 100 करोड़ वाली फिल्म के लिए उन्हें भी एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा, तकरीबन 18 से 19 साल का। और 2011 में एक मूवी रिलीज़ हुई थी, उसका नाम था रावण। और रावण फिल्म ने, अगर हम इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करते हैं, तो ये 114 करोड़ से ज़्यादा रहा था। हालांकि रावण को लेकर शाहरुख खान को जितनी उम्मीद थी वो उस उम्मीद के हिसाब से नहीं चल पाई, फिर भी फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और एक लाइफ टाइम कलेक्शन की अगर हम बात करें तो वो 114 करोड़ से ज़्यादा था। और इस अभी तक, मतलब रावण से पहले किसी भी शाहरुख की फिल्म ने इतने आंकड़े को पार नहीं किया था, 100 करोड़ के आंकड़े को पार नहीं किया था। और रावण में शाहरुख के साथ वैसे करीना कपूर और अर्जुन रामपाल जैसे सितारे भी दिखे थे और फिल्म का डायरेक्शन अरुण सिन्हा ने किया था। लेकिन क्या आपको पता था कि शाहरुख खान की पहली मूवी कौन सी थी जो कि 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई थी?